देखिए हुक्मरान जमात की क्रेडिट लेने की कोशिश कर रही है कि आटे और चीनी के स्कैंडल के हवाले से रिपोर्ट हुकूमत ने जारी की है, जबकि मीडिया का एक हिस्सा इसरार कर रहा है कि रिपोर्ट हुकूमत ने जारी करना ही नहीं थी अगर ये लीक ना होती। अभी मैं आपको दिखाऊंगा इसके बाद नदीम अफजल चंद कि उन्होंने हामिद जी के प्रोग्राम में क्या कहा। वैसे तो हुकूमत के दावे पर यकीन ना करने की कोई वजह नहीं है, मैं तो मान लूंगा कि हुकूमत कह रही है कि रिपोर्ट हुकूमत ने लीक की है तो मान लेते हैं। खासा ने बड़ा जबरदस्त काम किया है, एक ऐसी रिपोर्ट जिसमें उनकी हुकूमत के लोग मुलजम समझे जा सकते हैं, उनकी हुकूमत को के ऊपर बात आ सकती है, वो रिपोर्ट वो आम कर दी है। तो खान साहब को इसका क्रेडिट देना चाहिए कि उन्होंने बड़ा बोल्ड काम किया है। लेकिन इस रिपोर्ट के चंद घंटों बाद क्या हुआ कि वो अपनी उस बात पर क्यों स्टैंड नहीं ले सके कि रिपोर्ट के फॉरेंसिक ऑडिट तक यानी 25 अप्रैल तक किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। ऐसी कौन सी क्यामत टूट पड़ी कि रजाक दाऊद भी अहदे से गए, जहांगीर तरीन को भी एक फर्जी अहदे की सरबराही से सबको दोष कर दिया गया, पंजाब के वजीर खुराक से भी इस्तीफा ले लिया गया। अभी सुना है और भी बहुत सी तब्दीलियां हो रही, बहुत से लोग आ जा रहे हैं। खान साहब ने उस रिपोर्ट का फॉरेंसिक होने तक इंतजार क्यों नहीं किया? तो यही बात इस मौकफ को तकवीय देती है कि रिपोर्ट लीक हुई फिर उसका क्रेडिट भी लेने की कोशिश की गई और घबराहट में उठा पटा शुरू कर दी गई। अब प्रेस रिलीजों की बात है ना, तो प्रेस रिलीजों के बारे में ये बहुत बड़ा काम नहीं है। किसी भी प्रेस रिलीज पर आप पिछली तारीख डाल दे और ये कहिए हमने तो 3 दिन पहले जारी कर दी थी, कौन सा मुश्किल काम है? पुरानी तारीखों पर 10-10 प्रेस रिलीज निकाल दे। सवाल तो है कि अगर आप सबको बयक वक्त एक प्रेस रिलीज जारी की गई होती तो फिर सारे खबरों को ब्रेक करते, सिर्फ एक प्रोग्राम में ब्रेक क्यों की गई? तो हालात वाकत का तसलसल हुकूमत के इस दावे की नफी करता है कि रिपोर्ट हुकूमत की इमा पर जारी की गई। देखिए खान साहब आटे और चीनी की रिपोर्ट को जारी करने का क्रेडिट जरूर लें, उन्हें क्रेडिट मिलना ही चाहिए, लेकिन कहीं ये ना हो कि नहर से किसी बच्चे को बचाने के लिए कूदने वाले शख्स की तरह बाद में वो ये कहता फिरे कि उन्हें धक्का किसने दिया। अगर तो खान साहब ने अपनी मर्जी और किसी दबाव के बगैर रिपोर्ट जारी की है तो इसका क्रेडिट कोई नहीं छीन सकता, लेकिन अगर ये रिपोर्ट लीक हुई है या किसी के दबाव पर जारी की गई है या पहले वाली रिपोर्ट को तब्दील करके चार्जेस को हल्का करके रिपोर्ट जारी की गई है तो फिर इसकी क्रेडिबिलिटी क्या रह जाएगी? जब पूरा मीडिया ये कहता था खान साहब माफिया आपके दाएं बाएं राइट लेफ्ट बैठा हुआ है, तो खान साहब इस बात को नहीं मानते थे बल्कि मीडिया को बुरा भला कहते थे और मीडिया को अपने मुखालफिन की फहरिस्त में शुमार करते थे बल्कि मीडिया को माफिया कहते थे। तो हुक्मरान जमात को खासकर वजीर आजम को इस बात का एतराफ़ कर लेना चाहिए कि आटा और चीनी बहरान के हवाले से मीडिया ने जो रिपोर्टिंग की वो बिल्कुल दुरुस्त थी। खान साहब तो कहते थे कि मीडिया झूठ बोल रहा है, मेरे लोग ठीक है, ये मीडिया माफिया के साथ मिला हुआ है, ये मीडिया मेरे सियासी मुखालिफिन के साथ मिला हुआ है। तो वक्त ने यह साबित कर दिया कि मीडिया ने इस हवाले से भी गलत रिपोर्टिंग नहीं की और मीडिया किसी की इमा पर जहांगीर तरीन या खुसरो मुख्तियार के नाम नहीं ले रहा था बल्कि आवाम को फैक्ट्स बता रहा था और अभी बहुत से फैक्ट्स बाकी हैं। इसी मीडिया ने खान साहब को अद्वियात कीमतों में इजाफे से अरबों रुपए कमाने वालों को निशानदेही की और दर्जनों बातें बताई, लेकिन हर बार मीडिया को बुरा भला कहा गया। तो आज तो जब हुकूमत खुद मान रही है कि उसके दाएं बाएं ऐसे लोग बैठे हैं तो फिर ये तो मान ले कि मीडिया मुखालफत नहीं कर रहा बल्कि हकाइक बता रहा है। अब इस बात में तो कोई शक नहीं कि रिपोर्ट अगर हुकूमत ने जारी की होती तो इसका इल्म कभी ना कभी होता, कम अज कम वजीर आजम की टीम को तो उसका इल्म होता। जब रिपोर्ट हुकूमत ने जारी नहीं की तो फिर हुकूमत किस बात का क्रेडिट लेने की कोशिश कर रही है? रिपोर्ट लीक कराने वालों ने लीक कराई और जिन्होंने मीडिया पर ब्रेक की वो किन हलकों के जेर असर है, किन लोगों के दोस्त है, उनका भी सबको अच्छी तरह इल्म है। ऐसा नहीं है कि ये रिपोर्ट किसी आम रिपोर्टर के हाथ लग गई और उसने ब्रेक कर दी। तो मेरा गुमान तो ये है कि रिपोर्ट लीक इसलिए कराई गई है कि हुकूमत उसे जारी करने का इरादा नहीं रखती थी। रिपोर्ट लीक होने का क्रेडिट लेने की कोशिश की गई तो ये कहा गया कि 25 अप्रैल को रिपोर्ट का इंतजार करने के बाद कार्रवाई करेंगे, यानी मामले को फिर इल्तवा में डालने की कोशिश की गई लेकिन उस पर भी कायम न रह सके और दबाव इतना बढ़ गया कि कप्तान ने खिलाड़ी तब्दील नहीं किए बल्कि पूरी फील्डिंग तब्दील कर दी। अगर हुकूमत ने यह रिपोर्ट जारी की होती तो मेरे नजदीक फिर हड़बोंग बिल्कुल ना मचती। देखिए बिल्ली को दूध की रखवाली पर बिठाएंगे तो बिल्ली दूध नहीं पिएगी तो और क्या करेगी? और यहां तो बिल्ली नहीं बड़े बड़े बिल्ले बैठे हैं, तो असल मसला ही कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का है। जब इतना बड़ा खुला तजाद सामने हो तो फिर ट्रांसपेरेंसी और ईमानदारी पर तो सवाल उठेंगे। चीनी के कारोबार करने वाले फूड सिक्योरिटी संभाल के बैठे हैं, आईपीपी वाले खुद आईपीपी के टर्म्स एंड कंडीशन तय करने बैठे हैं और आईएमएफ के लोग मोशे चला रहे हैं
और IMF से कर्ज लेकर चला रहे हैं। शुगर माफिया के लोग भी हुकूमत में बैठे हैं, कीमतें भी खुद में तय कर रहे हैं। यानी पंजाबी की एक मिसाल है कि जेड़ा पन्नो लाल है। तो तहरीके इंसाफ पर बज़ाहिर उन लोगों का गलबा है जिनके तजारती या कारोबारी मफादात बहुत ज्यादा हैं, और खास साहब हमेशा इसी की नफी करते थे कि ऐसे लोग हुकूमतों में नहीं होने चाहिए। आटे और चीनी की रिपोर्ट तो इत्तेफाक से लीक हो गई या कराई गई, बाहर आ गई, लेकिन अभी तो बहुत से मामलात ऐसे हैं जिनकी तहकीकात ही नहीं हुई। और ये मामलात भी हमेशा उस वक्त सामने आते हैं जब हुकूमतें बदलती हैं, और अगर कोई मुखालिफ हुकूमत में आ जाए तो फिर वो धज्जियां उड़ा देता है, लेकिन अगर कोई हमख्याल आ जाए तो उसी पर पर्दा डालकर काम आगे चलाया जाता है। तो जो लोग होशियार होते हैं ना, वो हर हुकूमत का हिस्सा बनकर खुद को बचा लेते हैं। जिन्हें सियासत का या नजरिए का बुखार चढ़ जाता है, वो नजरियाती बनने की कोशिश करते हैं, तो वो ख्वाजा साद रफीक या शायद कानबासी की तरह फिर जेल ही काटते हैं। देखिए, जो सबसे अहम और आसान सा सवाल है वो ये कि चीनी और आटे की जो कीमतें पिछले दौर हुकूमत में थी, यानी नवाज शरीफ के दौर में थी, वो मौजूदा दौर हुकूमत में कैसे बढ़ी? क्या चीनी की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ी, गन्ने की कीमत में इजाफा हुआ, या इसका आलमी मंडी से कोई ताल्लुक है? पंजाब हुकूमत ने जो शुगर मिलों को सब्सिडी दी, वो तो उस रकम के आगे आटे में नमक के बराबर है जो माल कीमत ज्यादा होने की वजह से कमाया गया। यानी चीनी अगर 55 से 90 रुपए तक गई तो जो बीच में रकम थी वो किधर गई? चीनी और आटे की कीमतों का जो बराह रास्त फायदा है वो दरअसल मिल मालकान को हुआ है। रकम करोड़ों में है, यानी ये जो सब्सिडी दी गई है, जो रिपोर्ट आई गई है, ये 2-3 अरब रुपए रकम बनती है, वो वापस भी हो सकती है, लेकिन जो असल मुद्दा है वो तो गायब है। वो है कीमतों में इजाफा। यानी 55-60 रुपए की चीनी जब 90 में गई या 85 में गई, तो 20 में जो 20-25 रुपए पर किलो कमाए गए वो किसकी जेब में गया? वो रकम क्या है, उसका टोटल क्या है, वो अरबों रुपए बनती है, उसका जिम्मेदार कौन है? तो उनका जवाब आना ही बाकी है। ये जो सब्सिडी वाली बात पे इतना शोर मचाया जा रहा है, इसमें कोई इल्लीगल तो बात है नहीं, ये जुर्म कोई जुर्म नहीं है, कानून के मुताबिक है। काबीना ने रिकमेंड किया है, पंजाब ने उसको प्रूव किया है, तो हुकूमतें माजी में भी देती रही हैं, इस हुकूमत ने भी दे दी। इससे ज्यादा से ज्यादा गैर अखलाकी का हार समझा जाएगा, लेकिन और फिर रकम वापस करके दाद भी समेटी जा सकती है कि रकम वापस होगी, लेकिन जो असल रकम है उसका तो कोई जिक्र ही नहीं है। ये तो एक छोटी सी भलाई है, असल चीज तो कहीं और है। यानी जो 55 रुपए से 90 रुपए तक के दरमियान कीमत कमाई गई 20-25-30 रुपए किलो, तो मेरा गुमान यह कि FIA की जो रिपोर्ट पब्लिक हुई है वो महज असल मामले से हटाने के लिए एक आई वॉश है। तो असल मामला दबा लिया गया। देखिए, हुक्मरान जमात की क्रेडिट लेने की कोशिश कर रही है कि आटे और चीनी के स्कैंडल के हवाले से रिपोर्ट हाउस हुकूमत ने जारी की है, जबकि मीडिया का एक हिस्सा इसरार कर रहा है कि रिपोर्ट हुकूमत ने जारी करना ही नहीं थी अगर ये लीक ना होती। अभी मैं आपको दिखाऊंगा इसके बाद नदीम अफजल चंद कि उन्होंने हामिद जी के प्रोग्राम में क्या कहा। वैसे तो हुकूमत के दावे पर यकीन ना करने की कोई वजह नहीं है, मैं तो मान लूंगा कि हुकूमत कह रही है कि रिपोर्ट हुकूमत ने लीक की है तो मान लेते हैं। खासा ने बड़ा जबरदस्त काम किया है, एक ऐसी रिपोर्ट जिसमें उनकी हुकूमत के लोग मुल्ज़िम समझे जा सकते हैं, उनकी हुकूमत को के ऊपर बात आ सकती है, वो रिपोर्ट वो आम कर दी है। तो खान साहब को इसका क्रेडिट देना चाहिए कि उन्होंने बड़ा बोल्ड काम किया है, लेकिन इस रिपोर्ट के चंद घंटों बाद क्या हुआ कि वो अपनी उस बात पर क्यों स्टैंड नहीं ले सके कि रिपोर्ट के फॉरेंसिक ऑडिट तक यानी 25 अप्रैल तक किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी? ऐसी कौन सी क्यामत टूट पड़ी कि रजाक दाऊद के अहदे से गए, जहांगीर तरीन को भी एक फर्जी अहदे की सरबराही से सबक दोष कर दिया गया, पंजाब के वजीर खुराक से भी इस्तीफा ले लिया गया, अभी सुना है और भी बहुत सी तब्दीलियां हो रही, बहुत से लोग आ जा रहे हैं। हाँ साहब ने उस रिपोर्ट का फॉरेंसिक होने तक इंतजार क्यों नहीं किया? तो यही बात इस मौकफ को तकवीत देती है कि रिपोर्ट लीक हुई, फिर उसका क्रेडिट भी लेने की कोशिश की गई और घबराहट में उठा पटा शुरू कर दी गई। अब प्रेस रिलीजों की बात है ना, तो प्रेस रिलीजों के बारे में ये बहुत बड़ा काम नहीं है। किसी भी प्रेस रिलीज पर आप पिछली तारीख डाल दे और ये कहिए हमने तो 3 दिन पहले जारी कर दी थी, कौन सा मुश्किल काम है? पुरानी तारीखों पर 10-10 प्रेस रिलीज निकाल दे। सवाल तो है कि अगर आप सबको बयक वक्त एक प्रेस रिलीज जारी की गई होती तो फिर सारे खबरों को ब्रेक करते, सिर्फ एक प्रोग्राम में ब्रेक की गई। तो हालात वाकत का तसलसल हुकूमत के इस दावे की नफी करता है कि रिपोर्ट हुकूमत की इमा पर जारी की गई।